हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद एम बैक विद अनदर वीडियो सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक ऑफ अमालगमेशन एंड अमालगमेशन में काफी सारे क्वेरीज मुझे मिल रहे थे कि अमालगमेशन चैप्टर में परचेस कंसिडरेशन किस तरीके से कैलकुलेट होता है उसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो अगर आपको परचेस कंसिडरेशन का कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट लगता है तो इस वीडियो को पूरा देखें इस वीडियो से नोट्स प्रिपेयर करें ये वीडियो से आपको परचेस कंसिडरेशन में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे एंड अगर आपको पता ही है कि परचेस कंसिडरेशन हमारा सही होता है तो ही हमारा ओवरऑल अमालगमेशन का चैप्टर जो है वो सही होता है अमालगमेशन में सबसे पहले जो अब हम लोग फोकस करने वाले हैं दैट विल बी ऑन नेट पेमेंट मेथड। हम नेट पेमेंट मेथड के ऊपर पहले फोकस करेंगे एंड नेट पेमेंट मेथड पे किस तरीके से परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट होता है वो हम चीज़ें अभी सीखने का ट्राई करते हैं ध्यान से समझें इस चीज़ को समझो एक कम्पनी है जिसका नाम है बी लिमिटेड और दूसरी एक कंपनी है जिसका नाम है के लिमिटेड ठीक है एक बी लिमिटेड है और के लिमिटेड है uh, हम क्या करेंगे छोटे छोटे पॉइंट्स लेंगे इक्विटी शेयर्स हमारे पास है बी uh, लिमिटेड का वैल्यू हमारा है दो लाख चालीस हज़ार टू लाख फोर्टी थाउजेंड एंड के का हमारा वैल्यू है वन लाख सिक्सटी थाउजेंड ठीक है काफ़ी सिंपल चीज़ बता रहा हूँ ध्यान से समझे इस चीज़ को uh, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास इलेवन परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स है बी uh, का अमाउंट है वन लाख फिफ्टी थाउजेंड एंड सी का अमाउंट है वन लैख ठीक है ये आपको लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में दिया रहता है तो हमें करना क्या है अभी काफ़ी सिंपल चीज़ है हम ओवरऑल देखेंगे दोनों का फेस वैल्यू टेन है ठीक है दोनों का फेस वैल्यू हमारा क्या है टेन है अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले uh, आपको ये चेक करना है कि कौन से कंपनी ने कौन से कंपनी को ओवर किया तो अगर हम यहाँ पे अज्यूम करें कि बी लिमिटेड और के लिमिटेड ऐसे दो कंपनीज़ हैं और इनकी एक नई कंपनी फॉर्म हुई है बीके लिमिटेड तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यही होता है कि दिस बी लिमिटेड इज ओल्ड कंपनी दिस के लिमिटेड इज ऑल्सो ओल्ड कंपनी एंड वी आर फॉर्मिंग अ न्यू कंपनी कॉल्ड एज बी के लिमिटेड इसको हम कहते हैं मर्जर तो ये आपका मर्जर है ठीक है अभी हम एडजस्टमेंट अगर देखना चाहे तो एडजस्टमेंट एक ले लेते हैं इसमें जैसे कि हम यहाँ पे कहेंगे कि इक्विटी शेयर्स जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स को इशूड किया कितना शेयर्स इशूड किया सेवन शेयर्स इशूड किया ठीक है कितने शेयर्स इशूड किए सेवन शेयर्स इशूड किए जिसका फेस वैल्यू दस था फॉर एवरी सिक्स शेयर्स हेल्ड ठीक है फॉर एवरी सिक्स शेयर्स हेल्ड एंड उसके साथ उनको कैश भी दिया है एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम एंड उनके साथ उनको कैश भी दिया है रुपीज़ फाइव का रुपीज़ फाइव कैश दिया है फॉर सरेंडर ऑफ सिक्स शेयर्स ठीक है फॉर सरेंडर ऑफ सिक्स शेयर्स ऐसे एक पॉइंट लिया मैंने मतलब ये ही एडजस्टमेंट में आपका कैश भी क्लियर होना चाहिए और प्रेफरेंशर होल्डर्स जो है क्या है प्रेफरेंशियर होल्डर्स जो है उनको हमने दस परसेंट के प्रीमियम में रिडम्शन किया है या पेमेंट किया है और सिर्फ हमने उनको इलेवन परसेंट के बदले में 12.5 परसेंट प्रेफरेंशियर्स दिए हैं ऐसे मैंने एक दो सिंपल एडजस्टमेंट्स ले लिए ताकि ओवरऑल आपको परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट होता है वो हम लोग समझ पाए सो so, हमारे पास बी का है टू लैख फोर्टी थाउजेंड शेयर्स के का है हमारे पास वन लैख सिक्सटी थाउजेंड शेयर्स हम पहले सिर्फ बी का सॉल्व कर रहे हैं आपको अगर एक चीज़ सॉल्व करने आ गई तो फिर दूसरा आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा देखो अभी हम अगर यहाँ पे वर्किंग नोट का ट्राई करें वर्किंग नोट कैसे बनेगा इसका क्या कैलकुलेशन होगा तो हमको करना क्या है काफ़ी सिंपल तरीके को फॉलो करना है हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे परचेस कंसिडरेशन एंड हाउ टू कैलकुलेट सी दिस पॉइंट आप भी मेरे साथ साथ अपने बुक्स में इसको लिख के रखें ताकि जो ये डिफ़िकल्ट चीज़ें आपको लगती है परचेस कंसिडरेशन की वो आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी बी लिमिटेड और हम यहाँ पर कॉलम बना लेंगे पर्टिकुलर्स ठीक है और अमाउंट के दो कॉलम्स में मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा प्रेजेंटेशन के बेसिस पे ठीक है बहुत ही सिंपल है अब ध्यान से समझना इसको करना कैसा है इसको करना कैसे है ध्यान से समझना सबसे पहले हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए करते हैं फिर मैं आपको प्रेफरेंस का भी बताता हूँ तो इक्विटी शेयर होल्डर्स दैट विल बी योर फर्स्ट हेडिंग ठीक है यह हमारा फर्स्ट हेडिंग है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अब आपको चेक क्या करना है देखो बहुत ही सिंपल चीज हम फॉलो करने वाले हैं ध्यान से देखिए इस चीज को तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास इक्विटी शेयर्स का वैल्यू कितना है टू लैख फोर्टी थाउजेंड राइट तो टू लैख फोर्टी थाउजेंड को अगर हम टेन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने शेयर्स आएंगे ट्वेंटी फोर थाउजेंड शेयर्स हमारे पास आएंगे अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए सेवन शेयर्स इशू किए कितने बदले में शेयर्स के बदले में ठीक है हम अभी यहां पे लिखना चाहेंगे तो किस तरीके से लिखे इसको ध्यान से देखे तो यू विल गेट दिस आइडिया हाउ टू राइट दिस ठीक है हमको सबसे पहले क्या करना है हमको सबसे पहले यहां पे हेल्ड लिखना है और उसके बाद हमको यहां पे इशूड लिखना है तो कंपनी ने कितने शेयर्स इशूड किए सेवन इशूड किए कितने बदले में सिक्स के बदले में मतलब सिक्स शेयर्स आएंगे तो सेवन इशूड हो जाएंगे तो हमारे पास कितने शेयर्स थे ट्वेंटी फोर थाउजेंड शेयर्स थे तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा काफी सिंपल कैलकुलेशन है मैं नीचे नोट डाउन करके देता हूँ आपको देखो ट्वेंटी फोर थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय सेवन डिवाइडेड बाय सिक्स तो ट्वेंटी फोर थाउजेंड को हम सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे और सिक्स से डिवाइड करेंगे तो आप मेरे साथ साथ कैलकुलेट करना आपको आइडिया आ जाएगा कि कितना इसका आंसर आता है ट्वेंटी फोर थाउजेंड कहाँ से लाया टू लैख फोर्टी थाउजेंड शेयर्स थे राइट तो ट्वेंटी फोर थाउजेंड को सेवन से मल्टीप्लाई करना है सिक्स से डिवाइड करना है तो आपको कितने शेयर्स मिलेंगे आपको शेयर्स मिलेंगे ट्वेंटी एट थाउजेंड इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज टेन ईच तो आपका अमाउंट हो जाएगा दो लाख अस्सी हज़ार का इक्विटी शेयर का अमाउंट ठीक है काफी सिंपल पॉइंट है दो लाख अस्सी हजार का इक्विटी शेयर का अमाउंट हो जाएगा लेकिन इसमें कभी कभी प्रीमियम होता है प्रीमियम फिलहाल इस क्वेश्चन में हमने नहीं लिया है तो अगर हम ऊपर जाए अभी कुछ इनको कैश भी दिया जा रहा है देखो कैश भी दिया जा रहा है कैसे पता चलेगा कैश दे रहे हैं कि नहीं देखो यहाँ पे आप अगर एडजस्टमेंट देखो तो यहाँ पे बोल रहा है हेल्ड एंड कैश रूपीज फाइव फॉर सरेंडर ऑफ सिक्स ईयर्स तो इनको हम लोग कैश भी देने वाले हैं सेम कंसेप्ट में आपको कैश भी करना है तो इसके नीचे हम लोग अभी कैश भी लिख देंगे तो यहाँ पे भी मैं अभी लिखने वाला हूँ कैश कैश में भी सेम इक्वेशन फॉलो करना है लेकिन कैश में इक्वेशन कैसे रहेगा कैश में इक्वेशन रहेगा सिक्स इज टू फाइव रुपीज़ का कैश देने वाले किनको को कैश देने वाले इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही तो सिक्स के बदले में फाइव होगा तो ट्वेंटी फोर थाउजेंड के बदले में कितना कैश होगा तो आपको मल्टीप्लाई करना है कैसे मल्टीप्लाई करना है ट्वेंटी फोर थाउजेंड बाय फाइव डिवाइडेड बाय सिक्स तो आपको कैश की वैल्यू आ जाएगी वो डायरेक्ट अमाउंट होती है ट्वेंटी थाउजेंड आपका कैश हो गया तो दिस विल बी द सेटलमेंट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमको रेशो लेना है रेशो के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट मैंने कर लिया एंड अकॉर्डिंगली कैश के लिए भी हमको रेशो दिया था कैश के लिए भी हमने रेशो के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया चलो अभी फिर से हम क्वेश्चन में जाते हैं एंड प्रेफरेंस का देखते हैं कि प्रेफरेंस का क्या कहना चाहता है हमको क्वेश्चन तो बोल रहा है तो यहाँ पे हमको कहता है कि प्रेफरेंस शेयर जो है वो 10 परसेंट के प्रीमियम में हमको रिडम्पशन करना है एंड 12.5 परसेंट का प्रेफरेंस शेयर्स देना है देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रेफरेंस शेयर वन लैख फिफ्टी थाउजेंड फेस वैल्यू उसका भी 10 है तो यहाँ पे कितने प्रेफरेंस शेयर आएंगे पंद्रह हज़ार प्रेफरेंस शेयर्स आएंगे सिर्फ हमको चेंज क्या करना है इलेवन के बदले में टेन देना है अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ ध्यान से थोड़ा कलर चेंज करके लिखेंगे हम यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का सेटलमेंट तो अब ध्यान से देखना किस तरीके से इसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ ठीक है प्रेफरेंशियल होल्डर्स कितने शेयर्स थे हमारे पास पंद्रह हजार शेयर्स थे कॉमा इलेवन परसेंट के बदले में कितना परसेंट आ जाएगा ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट इलेवन परसेंट के बदले में ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट प्रेफरेंशियर्स ऑफ टेन ईच ठीक है तो आपका कितना आ जाएगा अमाउंट एक लाख पचास हजार लेकिन इसमें इन्होंने हमको कहा है कि प्रीमियम लेना है तो इसमें अभी हम लोग क्या लेंगे प्रीमियम लेंगे तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे ऐड प्रीमियम कितना परसेंट प्रीमियम बोल रहा है वो दस परसेंट तो एक लाख पचास हज़ार का दस परसेंट कितना आएगा पंद्रह हज़ार तो ये आपको क्या करना है ऐड करके हम यहाँ पे आउटर में लिख देंगे वन लाख सिक्सटी फाइव थाउजेंड तो अभी हमको करना क्या है बहुत ही सिंपल आपका टू लैख एटी थाउजेंड का इक्विटी का अमाउंट है फिर बीस हज़ार का आपका कैश है वो हो गया तीन लाख और ये वन लाख सिक्सटी फाइव आपको ऐड करना है तो कितना हो जाएगा टोटल तो टोटल विल बी यूअर फोर लैख सिक्सटी फाइव थाउजेंड तो दिस विल बी यूर टोटल एंड दैट विल बी फोर लैख सिक्सटी फाइव थाउजेंड एंड दिस फोर लैख सिक्सटी फाइव थाउजेंड विल बी यूर परचेज कंसिडरेशन दिस विल बी द मेथड टू कैलकुलेट यूअर परचेज कंसिडरेशन ये हो गया हमारा परचेज कंसिड्रेशन तो इस तरीके से हमें परचेज कंसिडरेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको रेशोस देखने हैं रेशो के बेसिस पे सेटलमेंट आपको करते जाना है तो दिस विल बी द लेवल आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ है ये था हमारा परचेस का पार्ट तो ये नेट पेमेंट मेथड में यूजुअली कंफ्यूजन होता है तो वो मैंने आपके साथ अभी वीडियो बना के ही शेयर कर रहा हूँ और अगर नेट असेट्स मेथड की बात करें तो वो एकदम दो मिनट का काम है सारे असेट्स ले लो सारे लाइबिलिटीज ले लो आपस में माइनस कर लो एंड यू विल गेट आंसर एज आई होप कि ये आपको जो भी चीजें मैंने यहाँ पे बताई वो समझ में आई है अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बिकॉज ऐसे ही लास्ट मिनट रिविज़न रिलेटेड वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे और लास्ट मिनट रिविज़न का भी ऐप भी अवेलेबल है प्ले स्टोर पर लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है वहाँ से जाके आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच बाय बाय टेक